हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरा नाम उमेर है। अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। और हाँ, मेरी व्लॉग्स को पूरा एंड तक देखा करो। तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी एक DIY प्रोजेक्ट के ऊपर है। और काफ़ी टाइम से अम्मी मुझे कह रही थी कि बेटा तुमने काफ़ी टाइम हो गया कोई DIY प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है। तो DIY आज मैं इस वीडियो में करूँगा, बहुत ही अच्छा DIY करूँगा। तो वीडियो पूरी देखनी है आपने, सही है। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरी संडे व्लॉग देखी होगी, संडे बाज़ार वाली व्लॉग, तो उसमें मैं एक चिकन लेकर आया था। देखी थी आपने? नहीं देखी थी? देखी थी कि नहीं देखी थी? बोला देखी थी, पता नहीं। और अगर नहीं देखी तो जाओ पहले वो देखो, फिर ये बाद में देखना, सही है? नहीं। जाओ पहले वो वाली देख कर आओ, बात नहीं कर रहा मैं तुम लोगों से। नहीं देखी ना तुम लोगों ने? व्यूज कम है उस पे, क्यों नहीं देख रहे हो? क्या वजह है नहीं देखने की? तो आखिरी बार समझा रहा हूँ, देखनी है आप लोगों ने वीडियो मेरी सारी, सही है। सॉरी, वो मैं जरा जज्बात में बह गया था, सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी। आराम से बात करते, अब आए ना लाइन पे, सही है। तो आपने चिकन तो देखी होगी, तो उस चिकन के बारे में ही कुछ, मतलब उसके साथ ही मैं कोई DIY प्रोजेक्ट बनाऊंगा। वो मैंने जब ली थी तो मैंने अपने ब्लॉग में बताया था कि मैं इसका DIY करूंगा, ओके। तो आज वो वक्त आ गया है कि मैं उसका DIY करूं और उसकी जो असल जगह है उसको वहाँ तक पहुँचाऊँ, ओके। तो फिर जल्दी जल्दी मैं उसको बनाता हूँ, ओके। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सो गाइस देखो, DIY के लिए मुझे तो सबसे पहले चाहिए ये चिकन, सही है। चिकन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें इसका रोल बहुत ज़्यादा अहम है, सही है। तो ये है, और इसके साथ मुझे एक बॉक्स की ज़रूरत थी जो कि मेरे पास एक पुराना बॉक्स रखा हुआ था। ये तकरीबन 8 साल पुराना बॉक्स है, क्या बोला तूने? सही है, ये अभी बीच में हमारे कबर्ड साफ होता ही उसमें से निकला था, सही है। तो ये जब मैंने जब चिकन ली थी ना, तो ये साफ़ हो चुका था, सही है। तो मैंने मतलब मुझे ना एक फील आया था कि काश हम लोग इसमें कुछ ऐसा बनाएं, इसके लिए इसके ऊपर DIY करें, सोच रहा था मैं। तो मैंने जब ये सोचा था तो मैंने बोला था इस पर बिल्डिंग शिल्डिंग, यानी इस पर ना ऐसे बिल्डिंग की तरह खोलूँगा, इसको बिल्डिंग बनाऊँगा और अंदर बल्ब जला के उसको टांग दूँगा एक जगह, तो ये बड़ी खूबसूरत लगेगी, सही, एक बिल्डिंग लगेगी दूर से ना, दूर से भी करीब से भी। तो फिर जब हमने चिकन ले ली ये वाली, तो फिर मेरा माइंड चेंज हो गया। फिर मैंने बोला उमेर एक काम करते हैं, इसको फिर एक अलग सी लुक देते हैं, सही है। तो वो लुक तो आपको पता ही चली गया होगा थंबनेल में आपको, सही है। तो अब ये है कि इसकी मुझे कटिंग करनी पड़ेगी, इसमें सब ये सब कचरा वचरा है जो, मतलब ये जब किसी काम का नहीं है इसमें जो भी है, सही है। तो इसकी मुझे अच्छी तरीके से कटिंग करनी पड़ेगी, सही है। फिर इस पर मैं ये सुतली लपेटूँगा, सही है। तो पूरा इसका ना हमने वो रखना है, अंडे रखने वाले, क्या कहते हैं हम इसको, हाँ, अंडे की टोकरी बनानी है, अंडे रखने की टोकरी बना रहे हैं हम लोग, सही है। तो ये इसमें ऐसे बैठ जाएगी, सही है, और साइड में हम लोग अंडे रख देंगे, कितना अच्छा लगेगा, अल्लाह, बात तो सही है। सो ये आइडिया, खैर ये अम्मी का था, ये मेरा आइडिया नहीं था, ये अम्मी ने मुझे कहा था बेटा इस बॉक्स की ये मुझे बना के दो। तो मैंने बोला सही है, काफ़ी टाइम से DIY भी नहीं किया है, तो ये बनाएंगे, सही है। तो इसकी कटिंग मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ा सकूँ। तो गाइस देखो, मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इस पर अब हम चिकन रख के देखते हैं अपनी, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे अंडे वगैरह रख देंगे हम, सही है। तो अब करना ये है कि पहले मैं इसको टेपिंग कर दूँ यहाँ पे, ताकि मजबूत हो जाए, सही है। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर ये सुतली जो है ना, ये लपेटेंगे ऐसे ऐसे करके, इसको घोंसला बनाएंगे, सही है। तो जल्दी जल्दी करते हैं, फिर पहले तो टेपिंग करेंगे इस पर।
गाइस देखें, ये बॉक्स को मैंने तैयार कर दिया। देखें, इस पर मैंने रस्सी जो है अच्छी तरीके से लपेट दी है, सही है। और थोड़ा सा मैंने एल्फी का भी इस्तेमाल किया है, सही है। अब करना क्या है कि मैंने अंदर ना कलर करना है, थोड़ा सा बाहर भी ऐसे ऐसे कलर करना है हल्का हल्का। तो वो कौन सा कलर होगा? वो होगा ब्राउन कलर, सही है। ब्राउन कलर करेंगे इसमें, तो जल्दी जल्दी ब्राउन कलर करते हैं। इस हमारा जो बॉक्स है वो तैयार हो चुका है, सही है। और इस पर ऐसे ही कलर होता है। तो अब ये है कि अब इसको हम थोड़ा सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए रख देते हैं। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको इसके अंदर रखेंगे, सही है। पहले इसको ड्राई हो जाने दें, उसके बाद फिर आगे का सोचेंगे, ओके। सो गाइस, ये तो हमने ड्राई करने के लिए रख दिया है, लेकिन अब इसके अंदर हमें घास चाहिए, सही है। अब घास कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, इसके अंदर डालने के लिए जो हमें घास चाहिए वो हम इससे बनाएंगे, सही है। इसको हम बारीक 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 कटिंग करेंगे, और फिर जब ये बारीक कटिंग कर देंगे, इतनी करनी है हमने बारीक कटिंग इसकी कि इसमें आ जाए, बिछी हुई नज़र आए, सही है। तो फिर जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। A few moments later. So guys, देखो इतनी कटिंग हो चुकी है, और अम्मी ने देखो कैसी हेल्प करी है, इसको ना इसकी रस्सी को खोल दिया है, तो ये और अच्छी लग रही है। तो आइए इसको डाल के देखते हैं, सही है, ज़्यादा वो नहीं है, चिपक नहीं है। तो इसको हम ऐसे ऐसे करके बिछाएंगे, ठीक। तो इसको फिर ऐसे रखेंगे, हाँ अच्छी तो लग रही है, सही है। पहले एक मिनट, अभी नहीं, पहले हमें इसके ऊपर गीलू लगानी पड़ेगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं इसके अंदर गीलू लगाऊंगा, ताकि जो हम लोग इसके अंदर रस्सी डालेंगे ना, तो वो चिपक जाए अच्छी तरीके से। A few moments later. So guys, देखें हमारा जो ये तैयार हो गया घोंसला इसका, सही है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे चिकन, सही है। अच्छा, अब हमारे सवाल है अम्मी से, सही है, जो कि हमारी अभी कैमरा मैन बनी हुई है। अम्मी, आप जरा बताएं कि घर में अंडे रखे? हाँ, 3-4 अंडे तो हैं। चलो शुक्र, मैंने बोला रख के क्या दिखाऊंगा। तो आइए इस पे अंडे रखते हैं। Yes, that's awesome. Wow. कैसी लग रही? बहुत अच्छी लग रही। अच्छी लग रही? अरे यार, कैमरे में तो बहुत अच्छी आ रही है, है ना? So guys, हमारी जो मुर्गी है वो तैयार हो चुकी है। नहीं, ऐसे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी ये होल है। अच्छा। जब भी मैंने ऐसे रखी है इसको, और ये आप जो रखेंगे ना, इसको यहीं रखें। अच्छा। क्योंकि वहाँ ब्लैक टॉप ही है, थोड़ी नजर नहीं आएगी, सही है। इसको आप ऐसे कर दें, ठीक है। इसको आप इस तरीके से रखें, ये खूबसूरत भी लगेगी। यहाँ पे अंडे रखे हैं, सही है। तो सुबह से कोई जो मैंने चिकन ली थी, सही है, तो DIY इसका मैंने कर दिया है, सही है। और आइडिया अम्मी का था, सही है। कितने प्यारा लग रहा है, देखो हमारे घर में तो ये पहली बार आए कि 4 अंडे, वरना 2-2 अंडे होते हैं सिर्फ, सही है। तो अभी जमा हो गए थे, तो चलो सही है, मैंने रख के दिखा दी, और अच्छे भी लग रहे हैं ना अम्मी। बहुत प्यारी टोकरी लग रही है माशाल्लाह, साइड से देखो, सही है, बहुत प्यारी टोकरी लग रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अम्मी और मेरे चैनल को, ओके। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारी अंडे की टोकरी कैसी लगी, और मेरे क्रिएटिव माइंड कैसा लगा, सही है। अम्मी ने मेरे से बहुत पहले कहा था, तो आज मैंने अम्मी के कहने के मुताबिक अम्मी की ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी, और मैंने अम्मी को टोकरी बना के दे दी, सही है। तो आप लोगों ने करना क्या है, खूब सारे लाइक करना है, खूब सारा सपोर्ट करना है हम लोगों को, ओके। और मेरी अम्मी को भी दुआएं दिया करें, मुझे भी दुआएं दिया करें, सही है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अपना दारो अड्डा खाने आए गैस, सही।